देखिए राष्ट्रीय शासन मांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शासन को जारी करने के लिए हमारे देश की जो सरकार सत्तारूढ़ सरकार जो है पार्टी और सरकार वो कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि ममता जी के साथ बीजेपी पार्टी की ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो, चुनाव में दोनों को फायदा मिले। क्योंकि ममता बनर्जी और मोदी ये बखूबी जानते हैं कि 2021 साल में ये ध्रुवीकरण के चलते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते बंगाल में उनको जीत हासिल हुई थी, कामयाब हासिल हुई थी। इसलिए कोई बोल सकता है बहुत कुछ, हम भी कह सकते हैं, लेकिन वो लागू करेंगे कौन? हिम्मत है बीजेपी पार्टी की और बीजेपी की सरकार की लागू करने की? हिम्मत नहीं है, क्योंकि नहीं करेगी, क्योंकि ये ध्रुवीकरण दोनों को सूट करते हैं, चुनावी ध्रुवीकरण दोनों पार्टी को सूट करते हैं, बीजेपी और टीएमसी दोनों को ये चुनावी ध्रुवीकरण फायदेमंद महसूस होते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगी।